गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नित्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एक स्पेशल क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। हमारा क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट कॉस ए बाई ए प्लस ए बाई बी सी इक्वल टू कॉस बी बाई बी प्लस बी बाई सी ए इक्वल टू कॉस सी बाई सी प्लस सी बाई ए बी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। कोसाइन फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कोसाइन फार्मूला होता क्या है। देख लीजिए, सॉल्यूशन देखिए, कॉस ए इक्वल टू ये होता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ठीक है। और कॉस बी इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। एंड कॉस सी का फॉर्मूला होता है कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। तो ये तीनों फॉर्मूला का आपको ज़रूरत अभी पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। ये है कोसाइन फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेंगे तो क्या दिया हुआ है, कॉस ए बाई ए प्लस ए बाई बी सी इक्वल टू, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस बी सी। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस बी सी होल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ए। और प्लस देखिए ए बाई बी सी है यहाँ पे, तो ये हम लोग लिखेंगे ए बाई बी सी। अब क्या होगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये ट्वाइस बी सी, नीचे आ जाएगा ए के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ए बी सी। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ए बाई बी सी। अब सारे का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सारे का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी सी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ट्वाइस ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाई ये हो गया ट्वाइस ए बी सी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम लोग लेते हैं एम एच एस मिडिल हैंड साइड, एम एच एस मिडिल हैंड साइड, तो ये क्या दिया हुआ है कॉस बी अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी ए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस बी का वैल्यू क्या है, देखिए कॉस बी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो कॉस बी के प्लेस में हम लोग फॉर्मूला रखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ b है तो ये b, और प्लस b अपॉन सी ए। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ट्वाइस सी ए, नीचे b के साथ में आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्वाइस ए बी सी और प्लस b अपॉन सी ए इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी सी। सॉल्व करेंगे आगे हम लोग तो ये मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या लेंगे, आर एच एस, हाँ लिखते हैं आर एच एस, आर एच एस लेंगे तो क्या दिया हुआ आर एच एस में,
कॉस सी बाई सी प्लस सी बाई ए बी। तो कॉस सी का फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी। तो कॉस सी का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी होल डिवाइडेड बाई सी है, यहाँ सी रख देंगे, इक्वल टू का साइन दे देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन सी बाई ए बी इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी, नीचे सी के साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए बी सी और प्लस सी बाई ए बी। अब सारे का हम लोग एक ही बार में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया ट्वाइस ए बी सी। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी सी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिला है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी सी। इक्वेशन सेकंड में देखेंगे क्या मिला है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी सी। तो ये किसके इक्वल है, इक्वेशन वन और टू से क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एंड इक्वेशन थर्ड में हम लोग देखेंगे क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी सी। तो ये क्या हो गया, एल एच एस और आर एच एस दोनों के इक्वल हो गया। तो हम लोग लास्ट में यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एल एच एस इक्वल टू एम एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। थैंक यू, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।